वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम कंपेयर करेंगे टॉक सीरीज फायरबोल्ट की। टॉक 3 है मेरे पास और एक तरफ है यहाँ पे बोल्ट स्ट्राइकर, बोल्ट की वॉच है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, इसका भी कर रखा है, अगर आपको जाके देखना तो देख सकते हो। वैसे फिलहाल तो हम यहाँ पे इन दोनों वॉचेस में पर्टिकुलरली देखते हैं। वैसे आप चैनल पे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इधर की साइड से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोटापा आपका दोनों का ही सिमिलर ही है, मतलब यहाँ पे पर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एल्युमिनियम केसिंग मिलती है, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट भी मिलता है, तो इन हैंड फील इसका टॉक 3 का काफ़ी बेटर है इससे, बोल्ट की वॉच से। डेडिकेटेड सेंसर तो वैसे दोनों में नहीं मिलते हैं आपको, मतलब दोनों में ही इस तरीके से मिल जाते हैं, बट टॉक 3 में आपको डबल सेंसर नहीं मिलते, सिंगल सेंसर मिलता है। यहाँ पे आपको डबल सेंसर मिल जाता है SPO2HR मॉनिटर के लिए, ठीक है। स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मैं कहूँगा बोल्ट की स्ट्रैप की क्वालिटी है इससे। और यहाँ पे 22mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का आप लगा पाओगे। यहाँ पे 1.28 इंचेस की डिस्प्ले, 1.32 इंचेस की डिस्प्ले, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है इसमें और ज़्यादा बड़ी है, और एज टू एज ज़्यादा मिल जाती है। बट यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, और ऐसा भी नहीं यहाँ पे 1.28 इंचेस की डिस्प्ले उसके बावजूद भी यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर है। इसमें आपको डिस्प्ले इवन बड़ी है उसके बावजूद भी इतने मोटे मोटे बेल दे रखे हैं, ये बहुत बेकार लगा मेरे को बोल्ट का। नीचे की साइड से टैप करते हैं, यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक ही बटन मिलती है वैसे तो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे स्पीकर का वेंट है, यहाँ पे ये माइक का वेंट मिल जाता है, कहाँ गया ये रहा नीचे की साइड, यहाँ पे इसमें माइक का वेंट मिल जाता है और यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिल जाता है, तो इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे सारी सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ पे मेन्यू जो है इसका कॉपी किया गया फायरबोल्ट के फिनिक्स वॉच से, इसमें तो अलग है थोड़ा सा मेन्यू। और यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल, मैंने ब्राइटनेस लेवल्स फुल कर रखे हैं वैसे फिलहाल। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, स्टॉप वॉच है और यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते, वॉच में नहीं कर सकते। ब्राइटनेस कंट्रोल भी जाता है, यहाँ पे फुल है ब्राइटनेस, और कॉल रीसेट है, शेक ऑन है, यहाँ पे रीसेट है, पावर ऑफ है, अबाउट है, दैट्स इट। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। दोनों में ही आपको वाइब्रेशन या वाइब्रेशन प्लस रिंग का ऑप्शन मिलता है, तो यही आप कर सकते हो, बट आपको प्रॉपरली यहाँ पे म्यूट नहीं कर सकते दोनों में से कोई भी वॉच को, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। अब गाइस और चीज़ चेक कर लेते हैं, नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं, मैसेज नोटिफिकेशन खुल जाते हैं और दोनों में ही समझ में नहीं आता, मतलब हिंदी फॉन्ट तो बिल्कुल भी देख सकते हो इस तरीके से मिलता है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। और राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में, तो ये भी अच्छी बात है। लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं, आपको मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे आई वॉच वाला मेन्यू बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे इस मेन्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है टॉक 3 में। बट टॉक 2 या टॉक अल्ट्रा में आपको, टॉक अल्ट्रा में और टॉक प्रो में आपको मेन्यू चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप मेन्यू चेंज कर सकते हो, ये अच्छी बात है इस वॉच में, ठीक है। एक रोटेटिंग वाला मिल जाता है और एक आपका ये लिस्ट वाला मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे बोल्ट हेल्थ में जाते हैं, तो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट को ओवर द एयर चेक कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस में किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, तो ओवर द एयर यहाँ पे तो नहीं बता रहा दोनों में से कोई सा भी। और उसके साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर लेते हैं एक बार, ओवर द एयर यहाँ पे दोनों में से किसी में नहीं बता रहा है, अच्छी बात है। और बीपी मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको बीपी मॉनिटर देखने को मिल जाता है वैसे, तो यहाँ पे दोनों में किसी में नहीं बता रहा है। अब गाइस यहाँ पे आगे क्या है, स्लीप मॉनिटर है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड है, स्पोर्ट्स मोड, ठीक है, स्पोर्ट्स मोड चेक करते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे स्पोर्ट्स मोड की, वॉकिंग करके देखते हैं, 50 स्टेप चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी किस में बेटर मिलती है। तो गाइस 50 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा है 60 दिखा रहा है और यहाँ पे 50 दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी बेटर है आपको इसमें मिलती है स्ट्राइकर में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉलिंग वाला फीचर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके कनेक्टेड नहीं है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये तो कनेक्टेड है, इसको चेक कर लेते हैं, जब तक काफ़ी लाउड है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बोल्ट स्ट्राइकर में लाउडनेस बेटर मिलती है फायरबोल्ट की टॉक 3 से, और इसमें ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इसमें ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलता। दोनों में ही वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मैं अगर करूँ इधर की साइड वॉइस असिस्टेंट भी है और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। इसमें नहीं बता रहा एक्चुअली, फायरबोल्ट की वॉच में बता दिया, इसमें नहीं बता रहा है अहमदाबाद, आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या कर रहा है। अभी काम करते हैं, ओवर टू द हैंड्स पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की, उससे पहले वेट भी कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस का, सही रहेगा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 0 हो चुका है और फायरबोल्ट की वॉच 63 ग्राम्स की है एग्जैक्टली, और यहाँ पे ये वॉच है 42 ग्राम्स की, तो ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स का अंतर है, तो लाइट वेट तो है डेफिनेटली यहाँ पे बोल्ट की वॉच। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया है, और यहाँ पे हार्ट रेट चेक करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे भी हार्ट रेट ओपन कर लेते हैं ये रहा, और ऑक्सीमीटर भी मैं वेयर कर लेता हूँ हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे 75 दिखा रहा है, यहाँ पे 81 दिखा रहा है और यहाँ पे हमारा 93 दिखा रहा है, 91 हो चुका है, देखते हैं बढ़ता कौन है यहाँ पे।
तो यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है 86 पे, यहाँ पे 74 पे स्टॉप हो चुकी है और यहाँ पे 86 पे, ओके क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है यहाँ पे बोल्ट की स्ट्राइकर में। और यहाँ पे SP2 चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 98 शो कर रहा है, 97 शो कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी वॉच है, मैं गाइज़ कह सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी इन दोनों में से खासकर अगर मैं बात करूँ तो बोल्ट की स्ट्राइकर रहेगी। दूसरा अगर इन दोनों से ही बेटर चाहिए तो फिटशॉट की क्रिस्टल है सिंगल ब्लू चिप के साथ, उसको कोई कम्पीट करने अभी नहीं आ पाई सिंगल ब्लू चिप के साथ सर्कुलर डायल में। बट अगर आपको प्रीमियम लुक चाहिए और ज़्यादा तो फायरबोल्ट की फिनिक्स या फिनिक्स प्रो भी ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो आप उन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। फिलहाल इन दोनों में जीत गई यहाँ पे बोल्ट की स्ट्राइकर, ठीक है। तो गए जीत है डीप डाउन कंपेरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।